ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर। ये चैप्टर हम लोगों को कुछ मॉडल्स पढ़ाता है जिसको अगर हम फॉलो कर सकते हैं अपने कंपनी में तो वी विल बी अचीविंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में सबसे पहले कैपिटल, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म फंड्स, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स सोर्सेज ऑफ कैपिटल विच आर यूजुअली डेट एंड इक्विटी। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, नाउ द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, द स्ट्रक्चर वेयर केओ इज मिनिमम और वैल्यू फॉर्म इज मैक्सिमम। हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग जब पढ़े थे तभी भी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आया था, बट उधर पढ़ते थे जब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उस समय हम कह रहे थे कि ऑप्टिमम इज द वन वेयर ईपीएस और एमपीएस इज मैक्सिमम। अभी अपने क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम इज द वन वेयर केओ इज मिनिमम और वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम। यहां पे मैंने लिखा भी इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, इट वाज एमपीएस और ईपीएस इज मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज टू स्टडी डिफरेंट मॉडल्स एज आई सेड विच विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड व्हाट आर द मॉडल्स अवेलेबल, तो मॉडल नेम्स आर नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच बोलते हैं, दूसरा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच, और चौथा है मोदी ग्लानी मिलर और एमएम अप्रोच। बिफोर एनी मॉडल वी नीड टू स्टडी सम कॉमन अजम्पशंस, विदाउट विच यू कैन स्टडी एनी मॉडल। सो कॉमन अजम्पशंस आर सेइंग दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल, फर्स्ट इज इक्विटी, अनदर इज डेट। सेकेंड केडी एंड केई, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शुड बी नोन। थर्ड, KD is supposed to be less than KE. KD is supposed to be lesser than KE. Fourth, company should pay out 100% of its earnings. So, dividend payout ratio will be 100%. As a result, KE will be calculated by earning capitalization model, which will be EPS by MPS, or you can say in terms of total, EFASH divided by total value of equity, EFASH divided by total value of equity, or the third one is 1 by P ratio. So what I was also saying is, if you are finding earning capitalization model K, it will also be equal to EPS by MPS, or it will also be equal to EFASH by total value of equity, total value of equity. All right. Next is value of debt. It is the market value of debt. Normally it is book value. Last is value of equity. So value of equity will come by this equation only. If you know KE, if you know EFASH, then value of equity will be EFASH by KE. It is equal to EFASH by KE. Can you see this? EFASH by KE. Then if you have to find value of firm, it will be value of debt plus value of equity. Value of firm will be equal to value of debt plus value of equity. And next, if you have to find KO, that is equal to WACC, weighted average cost of capital, then it will be KD into value of debt plus KE into value of equity divided by value of debt plus value of equity. All right. So this is how KO is coming. Next, the first concept here is net income approach. अच्छा, नेट इनकम अप्रोच के पहले एक और चीज समझ लो कि अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द फर्म और यू हैव टू फाइंड आउट केओ, द फर्स्ट अप्रोच दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई, इफ नो अदर मेंशन ऑफ मॉडल इज देयर, देन यू हैव टू फॉलो दिस कॉमन अजम्पशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी अप्रोच नहीं बोला है, बस आपको बोल रहा है केओ निकालो या वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, तो आप इसी मॉडल पे जाएंगे। तो नॉर्मली इसके जो सम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सम्स का स्टेप्स कहता है हम लोगों का, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ईबीआईटी से आप ईफेश निकाल लीजिए। ईबीआईटी से क्या निकाल लीजिए, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, दैट इज योर स्टेप वन। स्टेप टू विल बी टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी विच विल बी इक्वल टू ईफेश डिवाइडेड बाय के विल बी गिवन टू यू। And step 3 will be to find out value of firm, which is equal to
value of equity plus value of debt. Value of debt will be given to us. Fourth step would be to find out KO, which is as per this KD and KE is weighted average, which is given over here. So sometimes question will not give you any model name, but they'll give you the details and ask you to find value of firm and KO. Then the flow of calculation will be as per these workings. ठीक है, कि पहले EFH निकाल कर, फिर value of equity, फिर value of firm, फिर KO. अब आ जाओ अलग अलग मॉडल्स पढ़ते हैं. NI approach क्या कहता है, एक लाइन में अगर सारांश बोले तो ये कहता है उधार लो वैल्यू बढ़ेगा. Why? It's because as per this approach, KD is less than KE. You already know from common assumption. तो जो सस्ता वो ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा. दैट्स द लॉजिक. सिंस KD इज लेस देन KE, तो इसलिए सस्ता वाला ज्यादा अगर कैपिटल ले लेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा. इसका एक और assumption है कि KD और KE हमेशा फिक्स रहता है और KD कम रहता है. तो इसको अगर ग्राफिकली देखोगे तो देखो KD का लाइन नीचे है, KE का लाइन ऊपर है और ये फिक्स्ड है. मतलब चाहे जितना भी आप उधार लो, KD सेम है और KE सेम है. इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन से जब KO निकल रहा है तो KO जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे KO घटते जाएगा. तो ग्राफ में एक्स एक्सिस में परसेंट ऑफ डेट डाला, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा KO हम लोगों का कम होते जाएगा. अगर हमारा डेट 0% है मतलब सारा इक्विटी है, तो KE विल बी इक्वल टू KO. और फिर जब डेट 100% हो जाएगा तो सारा KD हो जाएगा. तो KO को यहाँ से यहाँ हम लोग ज्वाइन किए और इसको स्लोप थोड़ा सा स्लोपी बना दिए, बिकॉज एकदम स्ट्रेट लाइन से ऐसे नहीं जाता है बिकॉज ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस. ठीक है, तो ये नेट इनकम अप्रोच कहता है. एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट लिखने बोल सकता है, तो यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. सो टू रिमेंबर द डायग्राम एज वेल. नेक्स्ट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसको NOI अप्रोच भी बोलते हैं. ये कहता है कि अगर एक लाइन में सारांश बोले तो ये कहता है कि आपका उधार लेने से वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा. उसका लॉजिक दे रहा है. लॉजिक दे रहा है कैसे, कि अगर आप उधार लेंगे तो आपके यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, और फाइनेंशियल रिस्क अगर बढ़ जाएगा तो इक्विटी वाला रिस्क बेस्ड रिटर्न चाहता है, तो वो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने लगेगा. तो इस फेनोमेनन के कारण इवेंचुअली ये होने वाला है कि आपके यहां पर KO आपको जो लग रहा था घटेगा, बट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ रिटर्न बाई KE आपका KO सेम रह जाएगा. तो इसको अगर ग्राफिकली देखें तो KD सस्ता है KE से, इसलिए नीचे है, और KD फिक्स्ड है, बट KE देखो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है वैसे वैसे रिस्क बढ़ रहा है, इसलिए KE का एक्सपेक्टेशन यहां पर बढ़ रहा है. सो इसके कारण जो ऊपर में KO घटता हुआ दिख रहा था वो KO हमारा सेम रह गया, वो KO हमारा सेम रह गया. ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एग्जाम में नोट्स लिखना पड़ेगा. नोट्स कैसे लिखेंगे, कि इट कंटिन्यूज विद द अजम्पशन ऑफ KD इज लेस देन KE. इट इज कंटिन्यूज विद द अजम्पशन दैट KD इज कॉन्स्टेंट, बट इट अज्यूम्स दैट KE विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डेट. बिकॉज इंक्रीज इन डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड डिमांड मोर रिटर्न्स टू कॉम्पेंसेट फॉर सच रिस्क. एज अ कॉन्सिक्वेंस KO विल रिमेन कॉन्स्टेंट. बस ठीक है, अब यहां पर जो लिखा हुआ आप उसको पढ़ लीजिए. KD इज लेस देन KE, KD इज फिक्स्ड, KE कैन नॉट बी फिक्स्ड. As percent of debt is increased, risk increases, so KE also increases. As percent of debt increases, savings from KD is counterbalanced by increase in KE, so KO remains constant. So whatever be the percent of debt, value of firm will remain constant because KO is constant. ठीक है, तो this is NOI approach. The third is traditional approach. अगर एक line में इसका सारांश बोले तो ये क्या कहता है, कि KO पहले घटता है just like NOI approach, फिर सेम रहता है जस्ट लाइक एनओआई अप्रोच, एंड फिर KO बढ़ने लगता है अगर आप ज्यादा डेट लोगे. तो जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे तो पहले देखो KO घट रहा है, फिर KO सेम रह गया,
फिर क्यों बढ़ने लग गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनिशियली क्यों घट क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मानना है कि अप टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है ठीक है आप थोड़ा डेट ले लो, बट मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूँगा, एक्स्ट्रा डिमांड आपसे नहीं करूँगा। ठीक है, चार्ज मतलब बेसिकली उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ेगा नहीं, सेम बात है ना, कई वालों के साथ तो एक्सपेक्टेशंस का खेला हो, तो एक्सप्रेसली कुछ चार्ज नहीं कर सकते हम लोगों, तो वो एक्सप्रेसली कुछ चार्ज करता नहीं है तो इम्प्लाइड वे में एक्सपेक्ट करता रहता है। तो केई वाला लोग का हम लोग का अजम्पशन है कि अप टू सर्टेन अमाउंट केई वाला का एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ता है, इसलिए उस समय तक केओ गिरता है, यानी कि एनआई अप्रोच फॉलो हो रहा है। फिर जैसे जैसे आप डेट लेने लगोगे वैसे वैसे उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगा, अगर ऐसा होगा तो उस समय केओ आपका सेम रहेगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, केओ आपका सेम रहेगा, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, फिर केई का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्क होने के कारण, तो वो आपका केओ को ऊपर खींच लेगा। इवन ऐसा भी मानना है कि आफ्टर सर्टेन लेवल हमारा फिर ज्यादा डेट मांगने से हम लोग के यहाँ पे रिस्क होते चले जा रहे हैं, तो केडी भी कॉस्टली हो सकता है। अगर केडी भी कॉस्टली हो गया तब तो केओ को वो ऊपर खींच ही लेगा ना, समझ में आपको। तो जैसे मैंने डायग्राम में ऐसे ये सेम रखना था मेरे को, यहाँ डायग्राम में ना थोड़ा सा ऐसे करना था, ये पूरा सेम रहेगा केडी, और फिर हम लोगों का एक लेवल के बाद जाके केडी बढ़ रहा है, ऐसा डायग्राम होगा। देखो केई इनिशियली सेम है, केडी भी इनिशियली सेम है, इसलिए केओ घट रहा है, फिर केई बढ़ने लगा बट केडी सेम रहा, फिर क्या हुआ केडी भी बढ़ने लगा और केई भी बढ़ने लगा तो केओ बढ़ गया। ऑलराइट, अब इसको लिखने कैसे है, इफ इंक्रीज द डेट इन टोटल कैपिटल अप टू सर्टेन लेवल केओ रिड्यूसेस एज केडी एंड केई रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड केडी बींग लेस देन केई, तो केडी और केई कॉन्स्टेंट रहने से केओ घट रहा था। बियॉन्ड दैट लेवल इंक्रीज इन डेट इंक्रीजेस द रिस्क हेंस केई इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट केओ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसके बाद केई बढ़ने लगा तो केओ कॉन्स्टेंट रहने लगा, फिर आफ्टर दैट लेवल इंक्रीज इन डेट बोथ इंक्रीज इन डेट इंक्रीजेस बोथ केई एंड केडी, उसके बाद तो केई भी बढ़ने लगा केडी भी बढ़ने लगा, तो अगर दोनों बढ़ने लगा तो उससे फिर केओ ऊपर भागने लग गया, तो इससे जितना केओ ऊपर बढ़ेगा उतना वैल्यू फॉर्म घटेगा। गॉट इट। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा मॉडल पढ़ोगे आप, इसके बाद आ रहा है एमएम मॉडल, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट मॉडल अमॉन्ग ऑल द गिवन मॉडल्स। ठीक है, तो एमएम मॉडल को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है, एक नो टैक्स रेट वाला, एक विथ टैक्स रेट वाला, एक केई ऑफ लिवर्ड फर्म है, और चौथा है वेज टू इंक्रीज वैल्यू। चौथा क्या है, वेज टू इंक्रीज वैल्यू। सो पहला प्रपोजिशन वन, प्रपोजिशन वन किस बारे में, नो टैक्स रेट के बारे में। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अजम्पशंस चल रहे हैं हम लोगों के यहाँ पर एमएम अप्रोच के, वो अजम्पशंस में एक अजम्पशन है कि टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता कंपनीज पर, उसके अलावा क्या अजम्पशंस है कि कैपिटल मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, मतलब जो भी चाहे वहां से लोन या शेयर्स इशू कर सकता है, सेल कर सकता है, लोन ले सकता है, रीपे कर सकता है, जो भी, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग को लोन मिलेगा, कुछ ही लोग शेयर इशू कर सकता है, ऐसा नहीं है, सब कोई कर सकते हैं। दूसरा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव होने के कारण सबको सब चीज का नॉलेज है, द इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, तीसरा, सारी कंपनी जो कैपिटल मार्केट में है, सारी की सारी कंपनी जो कैपिटल मार्केट में है, दे बिलोंग टू इक्विवेलेंट रिस्क क्लास। सारी की सारी कंपनी जो कैपिटल मार्केट में है, दे बिलोंग टू इक्विवेलेंट रिस्क क्लास। फिर चौथा, सारे के सारे कंपनियों से इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो सब इक्वल है, होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन। होमोजीनियस मतलब इक्वल एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टर कुछ और चाह रहा है, दूसरा इन्वेस्टर कुछ और चाह रहा है। फिर अजम्पशन है कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मींस बाय सेल पे कोई ब्रोकरेज नहीं है, और लास्ट अजम्पशन है कि देयर आर नो टैक्स ऑन इनकम। सो इन सब से हम लोगों को अल्टीमेटली कंक्लूड क्या करना है, एमएम ने
कंक्लूड किया कि आप जैसा भी कैपिटल स्ट्रक्चर बना लो, वैल्यू ऑफ फर्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. वैल्यू ऑफ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता. धंधा करने के लिए पैसा इक्विटी वाले से लाओ या डेट वाले से लाओ, आपको उससे कोई वैल्यू ऑफ फर्म में फर्क होता हुआ नहीं दिखेगा. तो उस बात को प्रूव करने के लिए एमएम ने बेसिकली एनओआई अप्रोच को ही पढ़ा था लास्ट, और उस एनओआई अप्रोच के ऊपर ही फर्दर एनालिसिस और प्रेजेंटेशन किया है. तो एमएम जो थे, दो दोस्त थे, हार्वर्ड में पढ़ते थे, रिसर्च करते करते एनओआई का कागज हाथ में लगा तो और खोजने लगे, तो समझ में आया कि एनओआई सही बोल रहा है बट उसका प्रूफ नहीं दिया एनओआई. तो इन्होंने प्रूफ खोजा. तो प्रूफ के लिए पहला चीज जो खोजा वो था आर्बिट्राज प्रोसेस. तो आर्बिट्राज प्रोसेस क्या कहता है? आर्बिट्राज प्रोसेस कहता है कि आपका दो फर्म अगर ले लिया जाए मार्केट में, जिसमें एक फर्म मान लो ऐसा है जिसमें डेट है, दूसरा फर्म ऐसा है जिसमें डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है. तो पहला फर्म को जिसमें डेट भी है तो उसमें इक्विटी भी होगा, तो उस फर्म को लिवर्ड फर्म बोलते हैं, और दूसरा जिसमें डेट है ही नहीं उसको अनलिवर्ड फर्म बोलते हैं, जिसमें सिर्फ इक्विटी है. तो फिर एमएम ने इसको प्रूव करने के लिए कुछ डेटा लिए, और वो डेटा कुछ इस प्रकार के थे. जैसे आप इसको देख के समझो पूरा कि एक लिवर्ड फर्म होगा, एक अनलिवर्ड फर्म होगा. लिवर्ड फर्म और अनलिवर्ड फर्म का ईबीआईटी सेम रखा, ठीक है, और ईबीआईटी सेम रखकर उसका ईफेश निकाला. 40,000 और 50,000 अलग अलग आया ईफेश. फिर जिसका लिवर्ड है तो उसका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इसलिए उसका केई को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला गया 40,000 पे 20% करके, जो आ रहा 2,00,000, और वैल्यू ऑफ डेट 1,00,000 लिया गया, और अनलिवर्ड में केई को कम रखा थोड़ा सा क्योंकि उसमें रिस्क कम है. तो 50,000 पे 16% को लेकर उन्होंने 2,50,000 यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी एक बार अज्यूम किया. फिगर्स कुछ और थे, मैंने अपने मन से फिगर्स बना के यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है. तो इस तरह से वैल्यू ऑफ फर्म आपको समझ में आ गया, 3,00,000 है और 2,50,000 है, ठीक है. तो नॉर्मली जो एनआई अप्रोच कह रहा था कि जिसका डेट ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, वहीं से शुरू किया, और उसको समझाने के लिए आर्बिट्राज प्रोसेस का सहारा लिया. आर्बिट्राज प्रोसेस के लिए पहले समझना है कि आर्बिट्रेजर कौन है. आर्बिट्रेजर एक ऐसा पर्सन है जिसको कंपनी में कोई लगाव नहीं है, वो अपने फायदे के लिए एक कंपनी का शेयर्स खरीदता और दूसरे कंपनी का शेयर्स बेचता रहता है, ठीक है. एक कंपनी से दूसरा कंपनी अपने फायदे के लिए कभी भी मूव कर जाएगा, जिसको आज के ज़माने में लोग ट्रेडर बोलते हैं, उस ज़माने में लोगों को आर्बिट्रेजर बोला जाता था. तो हम लोग आर्बिट्रेजर का एग्जिस्टेंस को कभी भी भूल नहीं सकते हैं, और आर्बिट्रेजर्स एक ऐसा प्रजाति है जो वैल्यू ऑफ फर्म को इक्वल कर देता है. कैसे करता है? तो अगर आपने एनआई अप्रोच में बोला कि लिवर्ड फर्म में वैल्यू ज्यादा होगा तो अग्रीड है, एक्सेप्टेड है. मान लेते एक आर्बिट्रेजर है जो लिवर्ड फर्म का 10% शेयर होल्डर बना हुआ है, तो वो अपने फायदे के लिए दूसरा कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेगा और यहां का शेयर्स बेच के निकल जाएगा. तो हमने उसका कुछ स्टेप्स सजाया यहाँ पर कि सबसे पहले आर्बिट्रेजर अभी फ्रॉम लिवर्ड कंपनी प्रेजेंट अर्निंग्स क्या कमाता है. तो 40,000 इफेश है, उसका 10% उसका घर में आता होगा 4,000. समझ में आ रहा आपको? 40,000 अगर इफेश है तो उसका 10% उसके घर में आता है, विच इज 4,000. तो वो इस कंपनी का शेयर्स अब बेचेगा तो कितना रुपया मिलेगा? सिंस 10% का मालिक है तो 2,00,000 का 10% उसको मिल जाएगा. 2,00,000 का, देख रहा आपको, ये 2,00,000 का 10% उसको मिल जाएगा. 2,00,000 का 10% वो लेके 20,000 अपना घर जा सकता है, इस कंपनी से निकल सकता है. अब वो 20,000 रुपया से दूसरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाएगा ना, तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, क्योंकि जिस कंपनी में वो मालिक बना हुआ था उस कंपनी में डेट पोजिशन था. इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में जो कमाई थी, ठीक है, वो 50,000 रुपये की कमाई थी,
वो कमाई 2 लाख और 1 लाख 3 लाख मिला के आ रहा है, तो आप अगर शेयर्स बेच के निकल जाओगे तो आपको कमाई 3 लाख वाला नहीं मिलेगा, 2 लाख वाला ही मिलेगा। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब आप एक कंपनी में शेयर होल्डर बने थे जहाँ पे आपका डेट पोजीशन भी था कंपनी में, तो जैसे ही आप उस कंपनी से निकल कर दूसरी कंपनी में जाओ तो आप अपने शेयर्स का पैसा भी वसूल कर लो, बट एट द सेम टाइम जितना डेट उस कंपनी ने ले रखा था उतना डेट भी आपको लेके आगे जाना है। कंपनी का डेट नहीं लेना है, बाजार से नया डेट लेना है। कंपनी अपना डेट क्यों लेगा? कंपनी अपना डेट आपको 10% क्यों देगा? आपको उतना डेट भी लेके जाना है। अब आप बोले हमको डेट क्यों लेना है, हम तो सिर्फ शेयर्स बेचेंगे और अपना दूसरा कंपनी में जाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कमाई कम मिलेगी दूसरे कंपनी में। आपको अपना टोटल कैपिटल बेस नहीं तोड़ना है। जैसे ये जो कमाई आ रही है ये 40,000, ये टोटल कैपिटल बेस से आ रही है, तो आप अगर यहां से 10% अपना निकाले तो आपका कैपिटल 20,000 ही हुआ ना, बट आपको टोटल कैपिटल यहां से भी निकालकर अपना बनाना पड़ेगा। अगर आप 10% के मालिक हैं तो ये 10% भी आपको बोरो करके अपना टोटल कैपिटल बनाना पड़ेगा। फिर इस पैसा को आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ इक्विटी वाला को इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। इसलिए ये हमारा आर्बिट्रेजर जब इक्विटी शेयर्स बेचेगा तो जितना उस कंपनी में डेट था जैसे कि 1 लाख, उसका भी 10% बोरो कर लेगा, तो टोटल फंड उसके पास आ गया 30,000। अब उसके पास दो तरह का आर्बिट्राज प्रोसेस होता है, उसमें से पहला सीखते हैं कि एडिशनल अर्निंग्स का आर्बिट्राज वो कैसे करेगा। तो एडिशनल अर्निंग्स के लिए वो जितना उसके पास अभी अमाउंट आया है सेल और बोरो करके, वो पूरा का पूरा फुल अमाउंट नई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, विच इज द अनलिवर्ड कंपनी जिसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है अभी। तो 30,000 रुपीज से अगर अनलिवर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो कितना परसेंट शेयर मिल जाएगा? अनलिवर्ड कंपनी का टोटल कैपिटल जो है वो 2.5 लाख ही है इक्विटी और डेट मिला के, क्योंकि उसमें डेट है नहीं। तो 30,000 रुपया से कितना परसेंट शेयर्स मिल जाएगा? 12% मिल जाएगा। उस 12% से कितना अर्निंग्स आ जाएगा? उस 12% से इसका जो इफेश है 50,000 है, तो उसका 12% 6,000 होता है वो आ जाएगा। प्लस इसने 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% कैसे पता चल रहा है? वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10% है, इसलिए ये 10% पे बोरो किया हुआ है। तो 1 लाख का 10% ब्याज दे देना है, तो ये हो गया 5,000 रुपया अर्निंग्स। पुराना अर्निंग्स कितना था? 4,000 था, तो एडिशनल अर्निंग्स आ गया 1,000 रुपया, ठीक है। और एक दूसरा तरह से आर्बिट्राज होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को अर्निंग्स अपना सेम रखना है, हमारे हाथ में कैपिटल और आ जाए। अगर अर्निंग सेम रखने वाला आर्बिट्राज करना है तो आप सेकेंड कंपनी में पूरा 30,000 इन्वेस्ट नहीं करके पहले जितना परसेंट होल्ड करते थे उस कंपनी में भी उतना ही परसेंट होल्ड करेंगे। तो अकॉर्डिंगली यहां पर 10% ऑफ अनलिवर्ड कंपनी आप होल्ड करेंगे। तो आपका पैसा कितना जाएगा? 2.5 लाख उसका वैल्यू है, उसका 10% लेंगे तो कितना आएगा? 25,000 आएगा। 2.5 लाख उसका वैल्यू, उसका 10% अगर आप होल्ड करेंगे तो 25,000 आएगा। और इस 25,000 से अर्निंग्स क्या होगी? इस 25,000 से अर्निंग्स क्या होगी? अर्निंग्स विल बी कितना है इनका इफेश? इनका इफेश 50,000 है, तो 50,000 का 10% से कितना आएगा? 5,000 आएगा। 5,000 में से फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि हमने बोरो भी किया है 1 लाख रुपया, इंटू 10% करेंगे तो 4,000 आएगा। तो ये सॉरी 1,000 माइनस करके 4,000 आएगा। तो ये क्या हुआ? एक्स्ट्रा अर्निंग्स नहीं आया, अर्निंग्स रिमेन सेम। पहले भी 4,000 था, अभी भी 4,000 आया, तो द अर्निंग्स रिमेन सेम एज बिफोर। बट फायदा क्या हुआ इस आर्बिट्राज से? पहले कैपिटल मेरा पूरा 30,000 यूज हो रहा था, अभी 30 में से 25,000 यूज करके हम 4,000 कमा पा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कैपिटल हाथ में बच गया हमारा 5,000। कितना बच गया एक्स्ट्रा कैपिटल हाथ में? 5,000 बच गया। एक्स्ट्रा कैपिटल कितना बच गया? 5,000 बच गया। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग्स या एक्स्ट्रा कैपिटल की अपॉर्चुनिटी है, ये क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता और भी आर्बिट्रेजर्स को कि आप लोग भी आओ, लिवर्ड का शेयर्स बेचो और अनलिवर्ड का शेयर्स खरीदो। इस प्रोसेस के कारण क्या होगा? अनलिवर्ड के शेयर्स का डिमांड बढ़ने लगेगा
और लिवर्ड का शेयर्स का सप्लाई बढ़ने लगेगा, इससे लिवर्ड का शेयर प्राइस गिरेगा और अनलिवर्ड का शेयर प्राइस बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये प्राइस चेंज होने लगेगा तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग का स्कोप है या एक्स्ट्रा कैपिटल बचाने का स्कोप है वो अमाउंट रिड्यूस होते जाएगा और इवेंचुअली ये एक्स्ट्रा अर्निंग जीरो हो जाएगा या एक्स्ट्रा कैपिटल जीरो बचने लगेगा, वहां पे जाके आर्बिट्राज स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से एमएम हमें ये समझाना चाहते हैं कि ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेजर्स इन द मार्केट द वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑलवेज कम एट इक्विलिब्रियम बी इट लिवर्ड और अनलिवर्ड, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वंस आर्बिट्रेजर्स स्टार्ट नोटिसिंग इट दे विल मेक इट इक्वल, ये एमएम ने प्रूफ किया और ये इतना सॉलिड प्रूफ था कि इसको कोई निगेट नहीं कर पाए, ठीक है, इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला, इसलिए ये लास्ट बन के रह गया। रियल वर्ल्ड में आप ये सोचोगे कि एक फर्म में इसलिए पैसा लगाना है जिसमें डेट ज़्यादा लिया हुआ है और दूसरा इस फर्म में इसलिए पैसा लगाना है जिसने आज तक डेट नहीं लिया है, तो ये सोच हमारी गलत है, ये सोच हमारी गलत मानी जाएगी। समझ में आया? आपको पैसा इसलिए लगाना है कि उस कंपनी में कुछ और वैल्यू छुपा हुआ है, इसलिए नहीं लगाना है कि वो डेट लिया हुआ है और या डेट नहीं लिया हुआ है, बिकॉज आर्बिट्रेजर्स डेट और डेट नहीं है, उसका इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तो ये चीज पूरा यहां पे हमने लिख दिया शॉर्ट में। एमएम बिलीव्ड इन एनओआई अप्रोच एंड प्रोवाइड proof to that approach through arbitrage process. Arbitrageurs are short-term investors who invest in stock market or company security in order to earn a small gain with minimum investment. Ultimately, the arbitrage will stop when the value of the firm become equal and there will be no arbitrage gain at that level. Conclusion kya hai? The value of levered and unlevered firm remains constant and it will be at equilibrium. If there is any gap, it will be temporary because in the long run, arbitrageurs will make it equal. ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ऐसा डेटा दे देगा, आपको बोलेगा आर्बिट्राज दिखाओ, कुछ नहीं बोले तो कोई एक दिखाएंगे, नहीं तो कई बार बोल देता है इंक्रीज करना अर्निंग्स को वो वाला आर्बिट्राज दिखाओ, तो जैसा बोला वैसा करेंगे। अब आता है प्रोपोजिशन नंबर टू। व्हाट इज प्रोपोजिशन नंबर टू? दिस इज विथ टैक्स रेट। व्हाट इज प्रोपोजिशन नंबर टू? दिस इज विथ टैक्स रेट। विथ टैक्स रेट वाला प्रोपोजिशन कैसे बनता है? एमएम का क्रिटिसिज्म किसी को तो करना था, तो अजम्पशन में लिखा हुआ था कि इसमें कोई टैक्स रेट ही नहीं माना हुआ है, ऐसा कोई दुनिया थोड़ी है जहां पर टैक्स नहीं है। तो अगर टैक्स रेट एग्जिस्ट करता है तो फिर तो ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एमएम ने फिर से रिसर्च किया, कैलकुलेशन किया और फिर आके एक्सेप्ट किया कि यस, अगर टैक्स रेट होता है तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म ज्यादा होगा अनलिवर्ड से। और ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि लिवर्ड फर्म में डेट होता है, डेट पे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स होता है, वो टैक्स सेविंग्स कंपैरिजन में इक्विटी वाले फर्म में खाली नहीं हो पाता, तो उस टैक्स सेविंग्स के कारण लिवर्ड फर्म में एक बेनिफिट हमेशा रहेगा, ठीक है, और वो बेनिफिट के कारण लिवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा आएगा। और ये भी कान खोल के सुन लो कि लिवर्ड फर्म का वैल्यू सिर्फ एक ही कारण से ज्यादा होगा और वो है टैक्स एडवांटेज ड्यू टू डेट। और कितना ज्यादा होगा? दैट इज इक्वल टू टैक्स एडवांटेज ड्यू टू डेट। तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज ड्यू टू डेट। क्या इक्वेशन बनेगा? वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज ड्यू टू डेट। टैक्स एडवांटेज ड्यू टू डेट। नाउ हाउ टू फाइंड दिस टैक्स एडवांटेज ड्यू टू डेट? इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? इट इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर टैक्स एडवांटेजेस ओवर परपेचुअल पीरियड, उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया गया वर्किंग करके, दैट इट विल कम एज डेट अमाउंट इनटू टैक्स रेट। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड प्लस इंस्टेड ऑफ टैक्स एडवांटेज ड्यू टू डेट, आप क्या लिख सकते हो? ये वाला डेट अमाउंट इनटू टैक्स रेट। सो इन ऑर्डर टू डू द कैलकुलेशंस इन एग्जाम वी विल फॉलो सम स्टेप्स। सो वेन एवर टैक्स रेट इज गिवन, जैसे सोचो इसी डेटा पे आपको टैक्स रेट दे दे और बोला जाए वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म और अनलिवर्ड फर्म फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले अनलिवर्ड की वैल्यू निकालोगे। क्या करोगे? सबसे पहले
अनलिवर्ड की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म, और वो कैसे आएगा, वो आएगा ईफेज डिवाइडेड बाई के ई करके आएगा। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म कैसे आएगा, ईफेज डिवाइडेड बाई के ई करके आएगा, जो मतलब नॉर्मल तरीका से पहले भी निकाला था यहां पर वैसे ही आएगा, 50,000 पे 16% करके आ जाएगा एग्जांपल के लिए। फिर आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ लिवर्ड निकालोगे, और उसके लिए ईफेज बाई के ई नहीं लगाओगे, उसके लिए वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड लोगे जो आया था ऊपर में, प्लस डी इंटू टी कर दोगे, प्लस डेट इंटू टैक्स रेट कर दोगे, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म। तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म अगर हमको निकालना होगा यहां पर, तो हम कैसे निकालेंगे, जो अनलिवर्ड की वैल्यू 2.5 लाख प्लस जो डेट है यहाँ पे 1 लाख है, इंटू टैक्स रेट जो भी अगर दिया होता यहाँ पर, तो 1 लाख इंटू टैक्स रेट करते तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म आ जाता। अब इसके बाद आपको पूछेगा कि आप केओ निकालो दोनों कंपनी का, अनलिवर्ड का और लिवर्ड का। तो अनलिवर्ड का केओ इज नथिंग बट के ई, बिकॉज उसमें डेट है ही नहीं, तो जो केओ है वो के ई है। और लिवर्ड फॉर्म का केओ निकालो, तो लिवर्ड फॉर्म का केओ निकालने के पहले हम लोग को लिवर्ड फॉर्म का वैल्यू पता चला, तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म में ये जो वैल्यू आया दोनों को जोड़कर, ये दोनों आएगा ना, डेट और इक्विटी दोनों का वैल्यू है ये, ठीक है। तो अगर वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म मान लो 2.5 लाख है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से हम वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे, तो वैल्यू ऑफ डेट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ डेट, उसमें कोई कैलकुलेशन चाहिए नहीं। माइनस करने के बाद आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, और वो वैल्यू ऑफ इक्विटी को यूज करके आप के ई निकालोगे, फिर के ई और के डी से केओ निकालोगे। तो देखो, वैल्यू ऑफ इक्विटी इन लिवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, और फिर इस वैल्यू ऑफ इक्विटी से के ई निकालेंगे। अब इस वैल्यू ऑफ इक्विटी से के ई कैसे निकालेंगे, तो के ई इज इक्वल टू, आपको कॉमन अजम्पशन में बताया था, इट इज इक्वल टू इफेश बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इफेश आपको कैसे निकालना है, इफेश तो जैसे यहाँ पे आता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स करके इफेश आ जाएगा, तो इफेश जैसे आता है वैसे ही आएगा, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी करेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी कहाँ से आया, स्टेप 3 से है, तो वहां से के इन लिवर्ड फॉर्म आ जाएगा। इस के ई के बाद आपको हो सकता है केओ ऑफ लिवर्ड फॉर्म पूछे, केओ ऑफ लिवर्ड फॉर्म पूछेगा, तो वो कैसे निकालना है, तो वो निकालने के लिए आपको के डी ऑफ लिवर्ड फॉर्म चाहिए। के डी कैसे आएगा, आई इंटू 1 माइनस टी करके आएगा, फिर केओ चाहिए, के डी के बाद के ई चाहिए, के ई आपका स्टेप 4 में आ गया, ठीक है। तो के ई आपका अगर स्टेप 4 में आ गया, तो स्टेप 4 का के ई और के डी को कंबाइन करके हम लोग केओ निकालेंगे, तो केओ इज नथिंग बट डब्ल्यू ए सी सी विच इज बेस्ड ऑन के डी इंटू वैल्यू ऑफ डेट प्लस के ई इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वो जो कॉमन अजम्पशन में था वही चीज चलाना है। तो दिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्विंग When there is a tax rate, तो question में लिखा नहीं रहेगा there is a tax rate, question में खोजना पड़ेगा। अगर question में tax rate दिया है तो आपको इसी process से करना है, पहले unlevered की value निकालनी है, फिर levered की निकालनी है, फिर आपको value of equity निकालने बोले तो value of firm minus value of debt करना है, फिर आपको के निकालने बोले तो इफेश बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी करना है। इफेश कैसे आएगा, वो आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स करके आएगा, ठीक है। फिर केओ निकालने बोले तो आपको केडी और केई का वेटेड एवरेज करना है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो इस पूरे प्रोपोजिशन 2 में एक ही चीज समझाया गया कि अनलिवर्ड और लिवर्ड का वैल्यू ऐसे सेम है, बस एक ही कारण से अलग है, वो है डेट इंटू टैक्स रेट से, ठीक है। तो इसलिए पहले अनलिवर्ड का वैल्यू निकालकर फिर लिवर्ड का वैल्यू निकालना है। फिर इसी चीज को एनालाइज करते करते एमएम ने हम लोग को एक और फॉर्मूला भी दे दिया कि के ई ऑफ लिवर्ड फॉर्म तुम अल्टरनेटिवली ऐसे भी निकाल सकते हो, जो मैंने अभी ऊपर में बताया उसके जगह एक और तरीका है, उससे भी के ई सेम ही आएगा। वो एक इक्वेशन बना के दे दिए, के ई ऑफ लिवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू के ई ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म, अनलिवर्ड फॉर्म का जो के ई आया है, प्लस के ई ऑफ अनलिवर्ड माइनस के डी इंटू डेट इंटू 1 माइनस टी बाई इक्विटी। अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो के ऑफ लिवर्ड फॉर्म आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला हमको याद नहीं होता, बट अगर आपको CAPM याद है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, तो उसी के जैसा है, RF के जगह आ गया के ऑफ अनलिवर्ड, RM माइनस RF के जगह आ गया भाई के ऑफ अनलिवर्ड माइनस के डी इंटू डी इंटू 1 माइनस टी बाई इक्विटी करना है। तो ये कभी MCQ में कुछ इसका सवाल बन के आ सकता है, तो यू कांट इग्नोर इट, यू कांट जस्ट लीव इट। आप अदरवाइज कोई सम आए, आपको पूरा डेटा मिल रहा हो, तो आप
ऊपर के तीन स्टेप को वो फॉलो करके भी कर सकते हो, दोनों से एक ही आंसर आता है। प्रोपोजिशन फोर फिर एमएम ने एक ऐसा रख दिया लाकर, ठीक है, जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई। तो एमएम ने कह दिया कि देखो अभी तक लड़ाई चल रही थी कि वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे डिटरमाइन होगा, कि किसी ने बोला डेट ज्यादा लोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगा, जो एनआई अप्रोच था, एनआई अप्रोच को निगेट किया गया एनओआई अप्रोच में। एनओआई ने बोला कि आपका ज्यादा डेट लेने से रिस्क बढ़ जाएगा तो केई बढ़ जाएगा, इसलिए आपका जो सेविंग्स ड्यू टू डेट है वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, जो सेविंग्स ड्यू टू डेट है वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, तो इसलिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपका केओ सेम रहेगा। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रहा था गिरेगा, सेम रहेगा, बढ़ेगा, बट कोई भी प्रूफ का बात नहीं कर रहा था, इसलिए एमएम ने एक आर्बिट्राज का प्रूफ दिया, बट उस पर काउंटर हो गया कि आपने टैक्स रेट अज्यूम नहीं किया। तो एमएम ने बोला अच्छा ठीक है, टैक्स रेट लेकर लीवर्ड फॉर्म का वैल्यू ज्यादा अनलीवर्ड का कम है, ये सही है, और खाली डिफरेंस है तो वो टैक्स एडवांटेज के कारण ही रहेगा, ठीक है, बट एट द एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगा कैसे, तो उसके लिए प्रोपोजिशन फोर बताया गया कि वैल्यू ऑफ फॉर्म वही ज्यादा हो सकता है जहां पर इनोवेशन हो रहा है, जहां पर कस्टमर सर्विस अच्छा दिया जा रहा है, जहां पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन किया जा रहा है, जहां शेयर होल्डर का जो एसेट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जहां पर एम्प्लॉय रिटेन हो रहा है, एम्प्लॉय ग्रो कर रहा है, जहां पर न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि बेसिकली बिजनेस का जो बेसिक्स है वो फॉलो हो रहा है, तो वैल्यू फॉर्म बढ़ रहा है। ये खाली डेट को लेकर घुमाकर वैल्यू फॉर्म बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एमएम ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि लीवर्ड फॉर्म में अगर वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका रिस्क भी रहेगा, इसको भूलना नहीं है। तो इसी के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी खत्म हुआ। इसका एग्जाम में क्वेश्चंस में ये एमएम का प्रोपोजिशन टू बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई अप्रोच के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट आपको बोल रहा है केओ निकालो या वैल्यू फॉर्म निकालो, तो उस समय हम लोगों का जो स्टेप्स होता है वो होता है कि आप पहले इफिश निकालो, फिर के ई से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो, फिर प्लस वैल्यू डेट करके वैल्यू फॉर्म निकालो, और वैल्यू फॉर्म से आप के ओ भी निकाल सकते हो। तो ये स्टेप्स ज्यादा फॉलो होता है अगर कोई मेथड्स के बारे में नहीं बोला है तो, कोई मॉडल के बारे में नहीं बोला है तो। आर्बिट्राज कभी कभी आ सकता है, तो कौन सा आर्बिट्राज आएगा वो मुझे नहीं मालूम है आपके एग्जाम में, लेकिन कुछ नहीं बोले तो कोई एक ही दिखाना है, और प्रोपोजिशन टू विद टैक्स रेट वाला सबसे ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन रहता है। कभी कभी हमारा के ऑफ लीवर्ड फॉर्म अलग से इक्वेशन वाला भी पूछ लेता है। दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड एक बार और दिमाग में दोहरा लीजिए जैसे मैंने बताया, तो आपको शायद याद हो जाएगा। ये पूरा एज इट इज जितना भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, वो सारा याद हो जाए तो आपका काम बनेगा। अगर आप खाली इसको देख के सुन के निकाल दे रहे हो तो फायदा नहीं है, अगर याद हो जाए तब आप एग्जाम में सब कुछ कर पाएगा, चाहे वो प्रैक्टिकल का नोट्स हो चाहे वो थ्योरी का नोट्स हो, ये सारा नोट्स याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है।